मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब कोई मामला अल्लाह के हवाले करो तो अल्लाह और उस मामले के बीच में से निकल जाया करो। मगर फिर मैं जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करता था तो घंटों सोचता रहता था कि कैसे होगा, कब होगा, और मुसलसल एक के बाद एक वसवसा मेरे जहन में आता रहता था। मगर अब इस वक्त को सोचूं तो बहुत हंसी आती है मुझे, और कभी-कभी तो कहका भी लगा देता हूं, क्योंकि सारे मामलात सुलझ गए हैं और जो मांगा था उससे बेहतरीन मिल चुका है, और जो नहीं मिला था उसके पीछे की मसलहत समझ आ चुकी है। हम इंसान ना ऐसे ही होते हैं, जब हमें स्वाब नजर आ रहे होते हैं तो हम मुतमईन रहते हैं, और जब कुछ नजर नहीं आता तो पागल हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं जो होना नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह पे यकीन तो ऐसा होना चाहिए कि सामने समुंदर भी हो ना तो तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बनाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो समझ जाओ कि यकीन चीजों पर है, लोगों पर है, असबाब पर है, अल्लाह पर नहीं है। यकीन रखो, तुम्हारे मसले जितने भी बड़े हों, अल्लाह से तो बड़े नहीं हो सकते ना। जो चीज तुम्हें हजारों दुआओं के बावजूद नहीं दी जा रही, उस पर तुम्हें मुतमईन कर दिया जाएगा। एक दिन तुम्हें मसलहतें सारी समझ आने लगेंगी और समझा दी जाएंगी, उससे बेहतर अता कर दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, हो सकता है